क्या आप मुमरा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। तकलीफ तो हमारी 14 साल की है। जो वॉलंटियर्स मार्केट के खड़े रहते वो रिक्शा वालों को भगाते, रुको मत, आगे बढ़ो। हम लोगों ने इस साल ये तय कर लेकर रमजान से पहले पहले हम लोगों को वहाँ पे स्टैंड चाहिए, अमृत नगर से लेके DCB बैंक तक। कोई बाइक वाला उधर पार्क करके मार्केट में जा रहा है तो उसको ये नहीं बोलेंगे भाई इधर बाइक पार्क मत कर, कि मार्केट से उनको कुछ लिफाफे आते होंगे, हमसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये लोग है ना कुत्ता बिल्ली के जैसा, वो बस रिक्शा वाले निशाने पे रहता है। जाम हुई तो रिक्शा वालों को पकड़, यहाँ पर तो इतना गुंडागिरी चलती है रिक्शा वाले के साथ में। मार्केट के अंदर जिसकी जगह उसको नहीं देते हुए दूसरे को 2.5 लाख में जगह बेच दे रहे, तो ये गुंडागिरी दीजिए ना। जरूरी है क्या जिस जगह पे मार्केट लगी है जिधर ट्रैफिक है वही जगह पे वॉच टावर बनाना? गाइड दूसरे तरफ भी तो लगाते है ना मंडप, दूसरे तरफ का भी कवर किया जाता है, वॉलंटियर लगे रहे। दूसरी तरफ तो शानू भाई उतर जाएंगे होटलों के लिए पार्किंग बराबर करने के लिए, 2 मिनट खड़े रह के जो पैसेंजर उतार के बिठा लेगा उसको, या जो आधा आधा एक एक घंटा वहाँ खड़े रह के शॉपिंग करेगा आप, उसको भगाना चाहिए कि रिक्शा वाले को भगाना चाहिए? हमारा मसला हल नहीं हुआ। रमजान से पहले रिक्शा ऐसे वक्त में जाम करेंगे जब लोगों का एहसास होगा कि आज रिक्शा की जरूरत है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर में ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है वो बेमुद्दत हड़ताल पे है। दरअसल जो राजन किने हैं, शिवसेना यूनियन रिक्शा है ऑटो रिक्शा की, उनके सभी पदाधिकारी और ड्राइवरों का समर्थन इन्हें मिला है, क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला है। ऐसे में जब ये सड़कों पर ऑटो रिक्शा लेकर निकलते हैं तो इन्हें पैसेंजर उतारने में बिठाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वजह क्या है बात करेंगे अहमद भाई, आप लोग शिवसेना ऑटो रिक्शा यूनियन से हैं, क्या तकलीफ़ हो रही है आप लोग का? आज तीसरा दिन है यहाँ पर बेमुद्दत जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो कहाँ कहाँ पर आपको तकलीफ़ हो रही है? असल में ये तकलीफ़ तो हमारी 14 साल की है। पिछले साल भी हमने चक्का जाम किए थे कि हमको स्टैंड चाहिए, और स्टैंड जो है अमृत नगर बस स्टॉप से लेके तो DCB बैंक तक। रमज़ान के आम दिनों में भी वैसे रिक्शा भरने को नहीं मिलती है उधर, इतना ट्रैफिक रहता है, और अब रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में तो बिल्कुल जगह ही नहीं रहेगी। जो वॉलंटियर्स मार्केट के खड़े रहते वो रिक्शा वालों को भगाते, रुको मत, आगे बढ़ो, लेकिन जो बाइक पार्किंग रहती है उनको पार्किंग से मना नहीं करते, उनकी पार्किंग बढ़ते बढ़ते जाती है रोड तक, और हमारा रिक्शा रोकने का रास्ता छोटा छोटा होते जाता है। तो अब हम लोगों ने इस साल ये तय कर लेकर रमज़ान से पहले पहले हम लोगों को वहाँ पे स्टैंड चाहिए, अमृत नगर से लेके DCB बैंक तक बीच में। और हमारे जो प्रपोज है, अब जो इलाका बता रहे हैं यहाँ पर तो बहुत बड़ी मार्केट लगती है, तो फिर स्टैंड कैसे बनेगा वहाँ पर? क्योंकि बाहर से भी लोग वहाँ पर ख़रीदी करने के लिए आते हैं, तो रमज़ान का महीना आ जाएगा, ऐसे में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होगी। और आप जो बोल रहे हैं तकलीफ़ हो रही है पैसेंजर उतारने बिठाने में, ये तकलीफ़ आपके और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस्लामुद्दीन भाई मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर किसी को तकलीफ़ दे के आप अपना पेट भरोगे तो वो चीज़ जायज़ है क्या? रोड कहाँ तक है? फुटपाथ तक रोड है। अगर आपने उसको 25% कैप्चर किया है तो 40-50% और जो बचा हुआ है उसमें भी कैप्चर कर लेते। तो हम लोग घरों में रहते उसका टैक्स भरते, रास्ते का टैक्स भरते, हमारे लाइसेंस इशू करते, रिन्यू करते, उसका पैसा भरते। हम लोगों का अधिकार है, सरकारी हमारी जो गाड़ी है पब्लिक सर्वेंट गाड़ी है, पब्लिक सर्विस के लिए हमको दिया है, जिस तरह बस है उस तरह रिक्शा है। जब हमको पब्लिक की सेवा देने को नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है वो रास्ते का? अगर आपको कारोबार लगाना है तो रिक्शा वालों को बोल दो, मतलब मार्केट के पास पहुंचो तो वहाँ वॉलंटियर आगे भगा, वॉलंटियर रिक्शा वालों को पैसेंजर उतार पाओ ना पैसेंजर बिठा पाओ। लेकिन अगर कोई बाइक वाला उधर पार्क करके मार्केट में जा रहा है तो उसको ये नहीं बोलेंगे भाई इधर बाइक पार्क मत कर। अगर पार्किंग भी वो छोड़ देंगे ना, पार्किंग की जगह भी, तो हमारी रिक्शा आराम से चल सकती है। तो 3 दिन हो गया, कुछ मनपा के अधिकारी आए यहाँ पर बातचीत हुई? हाँ, मनपा के अधिकारी आए थे, ACM भी आए थे, लेकिन सबके सामने मसला यही है कि भाई यहाँ तो आवे का हवाई बिगड़ा हुआ है, क्योंकि करप्शन इतना है कि मार्केट से उनको कुछ लिफाफे आते होंगे, हमसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अब वो लोग भी इसी दुविधा में है कि इनको स्टैंड देंगे तो कहाँ देंगे, तो अब ये उनका लुकआउट है। जब सरकार ने हमको परमिट दिया है धंधा करने के लिए, रिक्शा स्टैंड दिया है मुमरा में, 96 से पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से अप्रूव्ड 13 स्टैंड थे,
एटलीस्ट उन 13 स्टैंड में 5 स्टैंड अमृतनगर के एरिया में थे। जो हमारे अप्रूव्ड है वही तो दो, हम तुमसे ज़्यादा नहीं मांग रहे। हमको हमारा जीने का हक दे दो, हमारा रास्ता हमको दे दो, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे। आप क्या बताएंगे, तकलीफ तो है लेकिन अभी तीसरा दिन है, कुछ रास्ता नहीं निकल रहा। रास्ता क्या निकलेगा, ये लोग के पास बोलने को जगह ही नहीं है ना। 14 साल से सब झेल रहे रिक्शा वाले, मगर इसका सारा दारो मदार मुमरा प्रभाग समिति के अंडर में है। ये चाहेगी तो हमको अभी इसका फैसला करके दे देवे। रमज़ान महीने आने से पहले हमने इसलिए बोल दिया कि पिछले साल भी हमने चक्का जाम इसी बुनियाद पे करे थे। ये लोग है ना कुत्ता बिल्ली के जैसा, वो बस रिक्शा वाले ही निशाने पे रहता है। अब हम लोग ये लोग सोचेंगे चल भाई जाम हुई तो रिक्शा वालों को पकड़ लो बस। अभी एक रास्ता ये लोग न्यूज़ के माध्यम से सिर्फ ये बोल सकते हैं वो लोग अपने वॉलेंटियर को कि भाई रिक्शा वाले को मत मारना, मगर उसकी जो जगह है ना उसको कब्जा करी हुई वो छोड़ने के लिए नहीं मना करेंगे। वो बोलेंगे नहीं इस पर डटे रहना। तो हम लोग का जो रिक्शा स्टैंड है ना वो हमको बना के दिया जाए सोनाजी नगर से लेके, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ हर चैनल में बोल रहा हूँ, शिमला पार्क तक हमको तकलीफ है। मगर ये जो कुत्ता बिल्ली भगाना दो ही पट्टा चलता है, ये अपना अमृत नगर से स्टार्ट होगा और DCB बैंक से घूमता है वो तनवर नगर से ऐसा घूमता है। हाँ दारुल बला तक के और कहाँ तक के, ये अमृत नगर सिग्नल पार होने तक के बस इतना ही टुकड़ा रहता है। यहाँ पर तो इतना गुंडागिरी चलती है रिक्शा वाले के साथ में दादागिरी कि भाई उसकी हद पार हो गई है। अब हम है ना एक ही मुद्दा रखे है कि जब तक कि ये इतना गुंडागिरी की बात करें तो गुंडागिरी चलती है क्या? चलती है ना, इतना मैं देखो ना तुम्हारे सामने मार्केट के अंदर जिसकी जगह उसको नहीं देते हुए दूसरे को 2.5-2.5 लाख में जगह बेच दे रहे, तो ये गुंडागर्दी चे ना, इसको क्या बोलेंगे आप? गुंडागर्दी बोलेंगे क्या? अब सरकारी मालमत्ता बेच रहे और सरकारी कर्मचारी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो अभी तो सोचो आप कि वो कहाँ तक के उसकी चेन घूमी हुई है। सरकारी कितने स्टैंड का वो जगह की कीमत बता दे एक गाड़ी के पीछे। बच्चों से पुराने हो, आपको भी पता है कि रमज़ान के अंदर मार्केट जो उनको दे दिया है 25% जो भी है कि तुम इधर ठीक रहो, चलो ठीक है वो उनका है, हमारा कुछ वॉच टावर वो साइड में भी तो लगा सकते। ज़रूरी है क्या जिस जगह पर मार्केट लगी है जिधर ट्रैफिक है वही जगह पर वॉच टावर बनाना? और मेरे को एक बात बताओ इस्लामुद्दीन भाई, राजू गांधी हॉकर्स यूनियन को मंडप बाहर रोड पे लगाने की ज़रूरत क्या? वो वजह क्या तुमको मालूम है? वो ऐसे टाइम ऐसी जगह के ऊपर उसको अपना मंडप लगाएंगे ना कि उसके आगे की जगह पूरी उनको फ्री मिले। अगर उनने 8 फीट का रोड पे मंडप मारे ये इधर पे, तो इसके आगे का जो पूरा पट्टा है ना वो 8 फीट के हिसाब से वो पूरा किस्मत तक के पट्टे पे धंधा लगाने की जगह बन जाती उनकी। आप दूसरी तरफ भी तो लगाते हैं ना मंडप, दूसरी तरफ का भी कवर किया जाता है, वॉलंटियर लगे रहे। दूसरी तरफ तो शानू भाई उतर जाएंगे होटलों के लिए पार्किंग बराबर करने के लिए, वो तो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए उतरते हैं ना। अरे मगर जरूरत ही क्या है, पार्किंग ही मत दो ना, रोड खुला रखो जो ट्रांसपोर्ट। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए ना, जो बाइक वाइक है वहाँ होटल के पास वो लोग बुलाते रोड पे एकदम खड़ा कर देते हैं, तो अगर कोई उतर के वहाँ पर अंदर लगवा रहा है तो उसमें गुनाह क्या है? खड़े रहने वाले 2 मिनट और वो खड़े रहने वाले 20 मिनट, तो किसको भगाना चाहिए? 2 मिनट खड़े रह के जो पैसेंजर उतार के बिठा लेगा उसको, या जो आधा आधा एक एक घंटा वहाँ खड़े रह के शॉपिंग करेगा, मालपुआ खरीदेगा, फालूदा खरीदेगा, ना फलाना खरीदेगा, ना धमाका खरीदेगा, उसको भगाना चाहिए कि रिक्शा वाले को भगाना चाहिए? आप बताइए, सख्ती किसके ऊपर होनी चाहिए? जो आदमी ला के वहाँ कंटिन्यू खड़ा कर दे रहा है उस पर कार्रवाई होती है, जो आदमी पैसेंजर उतार रहा है 5 मिनट के लिए पैसेंजर बिठा के चले जा रहा है उस पर कार्रवाई करना अगर है सही तो करो। तो अभी अगर आप लोगों की मांग नहीं पूरी होती है तो क्या करेंगे फिर आप लोग? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अभी तो हमको आश्वासन मिला है AMC वगैरह से भी, तो वक्त हमने अभी तक इतने साल वक्त देते गए, थोड़ा वक्त अभी भी देंगे, लेकिन चक्का जाम हो जाएगा पूरे मुमरा का, हम गाड़ी चलाएंगे नहीं है। इस्लामुद्दीन भाई ऐसा है कि रमज़ान में गाड़ी चलाना बदन की थकावट के अलावा गैस की बर्बादी, फ्यूल का वेस्टेज होता है, पैसे कम मिलते, तो हमारे भी बाल बच्चे रमज़ान में सब जब शॉपिंग करें तो हमारे बच्चों को भी शॉपिंग के इतना पैसा आना चाहिए, जब नहीं मिलेगा भूखे मर। शिंदे गुट शिवसेना की ये जो है यूनियन है, राजन दादा भी अभी आए थे, तो क्या बातचीत हुई आप लोगों से? राजन दादा ने बताया कि आप लोगों का जो मसला है मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, और अगर वो लोग आप लोग का काम नहीं करते हैं या जो भी होता है तो आप लोग अपना फैसला ले सकते हैं। क्या करेंगे फैसला? क्या हम लोग पूरे रिक्शा बंद कर देंगे पूरे मुमरा का?
अब जैसे हालात देखेंगे, रमज़ान से पहले पहले तो हो जाएगा, अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ रमज़ान से पहले रिक्शा ऐसे वक्त में जाम करेंगे जब लोगों को एहसास होगा कि आज रिक्शा की ज़रूरत है। प्रशासन को पब्लिक को ये सोचना चाहिए ना कि भाई ईद का जो मौसम है वो रिक्शा वालों का भी, रिक्शा वाले भी रोज़ा रखते हैं, उनके भी घर बार है, उनको भी त्यौहार मनाने का हक है। लेकिन हमारे साथ ऐसा सौतेला बरता होता है ना कि रिक्शा वालों को कोई सहूलत नहीं दी जाती, सारा इल्ज़ाम खाली रिक्शा वालों पे डाला। ये कल है ना टीचर साहब आए थे, वो उन्होंने यहाँ पर हम लोग से पूरी मालूमात लिए और बोले कि जो भी आपका है आप हमको पेपर वगैरह, हमने यहाँ पर सब दिखाए तो सब मांगनी उनको पता थी। हालांकि वो तो नए आए, मगर उससे पहले जो उनके साथ में राहुल जी भी है और अपना दूसरे लोग भी है, नहीं ऑफिसर पहले भी आप लोगों ने कई बार पत्र बहुत, ये जो पत्र व्यवहार है ना उनके पास है ना सब रद्दी के तौर पे रखी है, हालांकि वो फाड़ फूड़ के नहीं फेंकेंगे रखे, मगर पिक्चर साहब अगर मांग भी रहेगी ना भाई वो अभी नहीं निकल रही है। क्यों? उनको मालूम है कि ये हमने ना उनकी जगह पे तो खुद हॉकर्सों को बिठा के रखे ले, तो ये अगर उजागर कर देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए अभी तक के उन्होंने भी एक ही बात बोल कर गए कि हम इसके बारे में मीटिंग ले रहे थे, कल है ना दोपहर 12 बजे से मीटिंग चल रही है, फिर शाम में भी मीटिंग हुई, फिर रात को 8 बजे भी मीटिंग हुई और अभी तक के वो मीटिंग का जवाब नहीं आया है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने, रिक्शा वाले लोग भी कुछ आए हमारे पास, कुछ हमारे पुराने यहाँ पर यानी कार्यकर्ता लोग भी आए, वो बोले कि आप लोग की मांगनी कोई गलत नहीं है, मगर ऐसा कुछ रहा तो आप लोग अगर इसके मामले में कुछ धरने पे छोड़ने के बजाय अगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो हम उसके लिए तैयार है। ये सारे ड्राइवरों का भी कहना यही है, तो मैं प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ यानी आपके माध्यम से न्यूज़ परार के यानी न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलूँगा कि इसका जल्द से जल्द हल निकाला जाए, वरना रिक्शा ड्राइवर रोड पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो आपने सुना कि खास तौर पर जो यूनियन के लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि मित्तल के पास से लेकर और ज़्यादातर शिमला पार्क और जो एरिया जो बता रहे हैं जो काफ़ी कम जगह वाला एरिया है वो गुलाब पार्क मार्केट का एरिया है DCB बैंक के साथ पास तक, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और रिक्शे वालों को यहाँ पर जो है ना पैसेंजर उतारने दिया जाता है ज़्यादातर, ना बैठाने दिया जाता है, वहाँ पर जो वॉलेंटियर रहते हैं वो उन्हें आगे की तरफ जाने के लिए कहते हैं। यही सब मामला है जिसको लेकर यहाँ पर आज शिवसेना शिंदे गुट के तरफ से जो यूनियन रिक्शा है इनके तरफ से ये हड़ताल किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर ऑटो रिक्शा स्टैंड बनाकर वहाँ नहीं दिया जाता है तो आगे ये जो है ऑटो रिक्शा स्ट्राइक करेंगे।